नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज शर्मा। आप देख रहे हैं सूरज शर्मा बाइक पॉइंट। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ ये एफजेड एफआई मॉडल, देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर वाला है ये एफआई मॉडल वर्जन 2.0। ठीक है, ये एफजेड है। इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये नॉर्मल ट्यूनिंग में जो है गाड़ी ये ढक 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 करके जो है ना इसमें से साउंड आता था। जैसे अगर आरपीएम अगर आपका 1000 आरपीएम से जस्ट अगर आसपास में हो या तो 1000 आरपीएम से हल्का से एकदम ऊपर हो, 1 पॉइंट थोड़ा या तो 1000 आरपीएम पे भी हो तो ये ढक 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 करके ऐसा मार देता। ठीक है, इसीलिए हमने जो है इसमें जो है प्रॉब्लम के लिए किसी को खोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अभी हमने जो है आपका ये खोला, आपका क्लच बॉक्स खोला है, क्लच हाउसिंग में जो है इसका प्रॉब्लम रहता है। चलिए अभी जो है मैंने सारा नटबोल्ट वगैरह खोल लिया, नटबोल्ट खोलने के बाद में अब इसको देखते हैं। ठीक है, पहले तो मैं ऑयल फिल्टर को निकाल लेता हूँ। ऑयल फिल्टर को भी मैंने ढीला करके छोड़ा हुआ है। ठीक है, ऑयल फिल्टर पहले मैं निकाल लेता हूँ। सब नटबोल्ट मैंने खोल कर फंसाया हुआ है, बहुत ही गंदा साउंड इसमें आता है, ढक 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 खोला मतलब पूरा इरिटेट टाइप का है, इसमें साउंड आता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर आप अगर ट्यूनिंग में अगर आप गाड़ी को छोड़ देते हैं तो वो किस तरह से ढक 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 करेगा, जैसे कि अगल बगल वाले भी उसको सुन पाएंगे, इतना जोर इसमें से साउंड आता है। क्रैंक में से साउंड नहीं, इसका हाउसिंग में से साउंड है। देखते हैं क्रैंक पोजीशन। वाह फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्या इसका ऑयल फिल्टर लगाया हुआ है। शाबाश, ये है नए नए मिस्त्री लोग का कहानी। ठीक है, ये ऑयल फिल्टर देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने इसको लगा करके रखा है, उल्टा ही ऑयल फिल्टर को लगा लिया। अगर ऑयल फिल्टर ही उल्टा लगेगा तो फ्रेंड्स काम कैसे करेगा ये। ये जो नए नए जितने भी अभी जो मैकेनिक बन रहे हैं ना, ये सभी का दिमाग है ये इस तरह से, ये ऑयल फिल्टर को इस तरह से लगाया हुआ है। जो कि इसमें जो ऑयल फिल्टर किस तरह से लगता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑयल फिल्टर जो है आपका ये जो होल वाला हिस्सा है ना जिधर से ऑयल जाता है वो जो है बाहर की तरफ रहेगा, और इसे क्या है इसे ऐसा अंदर की तरफ में डाल के लगाया है। मान के लेकिन एक से एक मिस्त्री है हमारे यहाँ, तो सबके सब ब्रिलियंट। चलिए ये तो हमने खोलिया, अब जो है मैं आपको इधर इसको भी खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, और देख सकते हैं हमारा जो है अभी कवर का सारा नटबोल्ट निकल गया, जो है इसको बाहर निकाल लिए। ठीक है, हमारा पैकिंग जो है पूरी तरह से ठीक है, पैकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यही पैकिंग जो है पुराना फिर वापस से इसको फिटिंग करेंगे हल्का पेस्टिंग करके। अब इसमें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आप देख सकते हैं ये हाउसिंग, ठीक है, और सामने से मैं आपको मोबाइल करके दिखाता हूँ इस जगह पर। आप देखिएगा इस जगह पर कैसा हिल रहा है। ठीक है, हाउसिंग में कितने ज़्यादा मतलब हद तक का इसमें प्ले है, अगर इतना ज़्यादा अगर प्ले रहेगा फ्रेंड्स तो ये कभी भी जो है इस साउंड जो है आपका स्मूथ नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से देखिएगा मैं हाउसिंग को हिलाने की कोशिश करता। ठीक है, ये हाउसिंग देख रहे ना किस तरह से ये हाउसिंग हिल रहा, और ये जिस तरह से अभी साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना कट 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 कट, इसी तरह से जो है साउंड नॉर्मली नॉर्मल ट्यूनिंग में रहने से ही होता है। ठीक है, देख सकते हैं अंदर के इसका पिनियन को देखिएगा और इसको देखिएगा किस तरह से ये साउंड आ रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम जो है अभी क्लच प्लेट को वगैरह पूरा निकाल लेते हैं, फिर उसको हाउसिंग वगैरह पूरा निकाल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, मशीन अंदर से जो फ्रेंड्स बहुत जल्दी जो है सारे नटबोल्ट खोल सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं, ये जो हमारे पास सबसे अच्छा पॉइंट है। चलिए हमारा सारा स्क्रीन को भी आप जो है इसी करेंगे। देखिएगा इसके पीछे में एक छोटा सा छल्ला रहता है, वो इंजन है, इसे आपको क्या पहले से ही थोड़ा सपोर्टिंग लेकर पड़ेगा ताकि इसके अंदर जो पार्ट गिरे वो आपके हाथ में गिरे। देख सकते हैं इसका छल्ला जो यहीं पर दिख रहा है, ये सामने की तरफ लटका हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, हम जो छल्ले को अंदर घुसाते हैं, पता चले बाहर गिरेगा हमारा नुकसान हो जाएगा। अब जैसे हमें यहाँ से लॉकर को ऐसा खोल करके फिर खोलना पड़ेगा। हम जो छेनी मदद से यहाँ पर लॉकर खोलेंगे, ये हमारा नट लॉक को लगा हुआ है, नट लॉक लगेगा, मतलब सिंगल लगेगा। देख सकते हो आप इसे उठा ले, लॉक उठा लिया, मशीन की मदद से खोलेंगे इसे। ठीक है, अपने मदद से हमारे मशीन चलते हैं, देखते हमारा टैंक खुलता है, पास खुला, ये हमारा दो तो बाहर आ गया। ये वाशर है इसके पीछे, सामने से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो वाशर है ये दांत जैसा वाशर होता है। ठीक है, ये ग्रिप की जैसा वाशर है। ठीक है, ये वाशर यहाँ लगता है, इसके पीछे में आपका ये वाशर लगेगा। चलिए ये अब हाउसिंग के पीछे भी देख सकते हैं एक पतला सा सीम जैसा वाशर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पतला जो है ये पूरा सीम जैसा एक वाशर है हाउसिंग के पीछे। ठीक है, हाउसिंग के पीछे एक पतला वाशर इसके पीछे रहेगा, इसे इसी में ही रहने दे, इसका तो हमारा कुछ काम नहीं है। ये जो है हल्का अंदर और बाहर थोड़ा थोड़ा सा साफ्ट में प्ले होना ज़रूरी है। ठीक है, और हाउसिंग आप देख सकते हैं मैं अभी हाथ में पकड़ा हुआ हूँ हाउसिंग, ये आप देखें किस तरह से हाउसिंग हिल रहा है, देख रहे हैं किस तरह से ये हाउसिंग हिल रहा है। चलिए अब ये तो हमने खोल लिया, इसको खोलने के बाद में अब जो है हम यहाँ जाली निकालेंगे इसका फ़िल्टर वगैरह। ठीक है, फ़िल्टर निकालते हैं, फ़िल्टर देखते हैं क्या कंडीशन है। ऑयल फ़िल्टर तो हमारा उल्टा था, अब इसमें क्या कंडीशन हुआ है। ओ माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये जो है प्रॉब्लम किया हुआ है। एक भी इसमें छेद जो है फ्रेंड्स क्लियर नहीं है, एक भी छेद, पूरा का पूरा ये जाली ही पूरा चौक है फ्रेंड्स। ठीक है,
वीडियो में बने रहे, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। अब जो है हम हाउसिंग को रिपेयरिंग के लिए देंगे, हाउसिंग रिपेयरिंग होके आएगा, उसके बाद हम चलिए अब ये सारे चीज़ को जो है अब मैं वॉश कर लेता हूँ अच्छे से। देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी जो है हमने पूरी अच्छे तरीके से पेट्रोल से वॉश कर लिया है पूरा, ठीक है। कितना अच्छा भी दिख रहा है पूरा, गाड़ी साफ सुथरा तो खैर था ही, लेकिन पर तो भी हमने जो है वॉश कर लिया। हमने देखे जाली वगैरह सभी चीज़ को जो है अच्छे से पूरा वॉशिंग वॉशिंग करके, देखिए कितना अच्छा भी नीट एंड क्लीन दिख रहा है ये, ठीक है। चैम्बर वगैरह को भी हमने, चैम्बर बोल रहा हूँ, ये क्लच कवर को भी हमने अभी अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया, नीट एंड क्लीन हो गया पूरा। अब हाउसिंग आएगा, हाउसिंग आने के बाद में सीधा फिटिंग होगा, ठीक है। वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है अभी क्लच हाउसिंग पूरा रिपेयरिंग होकर के आ चुका है, ठीक है। देखिए अभी इसमें कितना प्ले है, मैं पूरा ज़ोर ज़ोर से हिलाऊंगा, पूरा एकदम जीरो प्ले है इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इसमें जीरो प्ले है, अब बिल्कुल भी इसमें प्ले नहीं बचा। अब क्या है, गाड़ी में किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं आएगा, अभी जो है इसमें मस्त चलेगा गाड़ी, ठीक है। पिकअप भी अभी अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो क्लच हाउसिंग वाला साफ है, वो साफ में क्या है, अंदर की तरफ एक पतला सा वाशर रहेगा, सीमा वाशर आप देख सकते हैं, ठीक है। सीमा वाशर पर पतला रहेगा, सीमा वाशर, ठीक है। पहले जो है सीमा वाशर बंद करेंगे, ठीक है। सीमा वाशर अंदर होने के बाद फिर हम ये हाउसिंग लगाएंगे, ठीक है। हमारा हाउसिंग अच्छी तरीके से पहले जो मैं आपको दिखा चुका हूं, ये हाउसिंग लग गया, हाउसिंग को आराम से बैठना आपको, कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, हाउसिंग पर इजी बैठिए। अब उसके बाद इसको आप देख सकते हैं, अब हम ये बैठा, ठीक है। हमने से दो लिया, दोनों अभी थोड़ा आप इसको पहुंचना, सफाई के सबसे ध्यान रखें, साफ सफाई सबसे सफाई का रहेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। आप ये हाउसिंग वाले बाद में फिर आपको क्या बता रहा हूँ, देख सकते हैं ये पास है, ठीक है। ये पटना पास है, टाइट होने के बाद आपको लास्ट में सबसे जरूरी चीज़ याद रखना है, आपको ये बॉल, ठीक है। ये बॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉल अगर नहीं होगा तो आपका जो प्रॉब्लम होता है, बॉल करना है, हल्का से ग्रीस लगा देना, ठीक है। हल्का से ग्रीस लगा करके बॉल को आप अंदर प्रेस कर देना, ठीक है। प्रेस करने के बाद फिर हल्का सॉल्व और ऊपर से हल्का साल लगा दें, ताकि बॉल जो फिटिंग करते हैं बाहर ना है। इस बात को बहुत आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। होने के बाद आपको पहले आपको प्रेस लगाना, ठीक है। एक साइड क्लच कोई भी एक साइड लगाएंगे, ठीक है। जैसे कोई अगर बना जैसा आपको फिटिंग करना, जैसे पेकर में कोई नाम नहीं, उसका नाम ये सीधा से फिटिंग, हम सीधा से फिटिंग, सबसे पहले हम देख प्लस पेट, फिर ये प्रेस पेट, फिर प्लस पेट देख नाम इसमें, फिर प्लस पेट, फिर सकते हैं प्लस पेट हमारा नाम था, फ्रेंड्स, हमारा जो है अपडेट में जो है ये वाला ट्रेन बोल्ट लगा हुआ था, ठीक है। अभी जो है हम ये वाला ट्रेन बोल्ट लगाएंगे, ये क्यों लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना मैग्नेट लगा हुआ है, जितना भी लोहा का पार्टिकल्स वगैरह कटता है वो सारा चीज़ जो है इसी पे ही खींच करके और पकड़ करके रह जाएगा। ये जो है 14 नंबर है और ये जो है 12 नंबर है, ठीक है। ये है बजाज के हम लगा रहे हैं, बजाज पल्सर वगैरह का जो होता है ना उसका ट्रेन बोल्ट लगा रहे हैं। वाशर भी देख सकते हैं कितना प्रॉपर और कितना बढ़िया तरीके से ये वाशर, ये क्या है बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना भी लोहा पार्टिकल्स कटेगा वो कहीं भी नहीं जमा होगा, सीधा ड्रेन बोर्ड में आकर के ये चपकता रहेगा, इसी के लिए हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। और इसमें जो हम इंजन वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे मोटर का 7100 ट्रेन बोल्ट 40, ठीक है। 840 रुपये इसका प्रिंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम डालते हैं, कल ट्रेन बोल्ट कर लेते हैं।
देख सकते हैं हमारा गाड़ी जो है पूरा प्रॉपर रेडी हो चुका है, अभी स्टार्ट हो गया, कोई भी साउंड वगैरह नहीं है, पूरा क्लियर है साउंड। ठीक है, साउंड पूरी तरह से स्मूथ आ रहा है। अगर याद रखिए कभी भी अगर आपके गाड़ी में अगर इस तरह से ढकढक का अगर प्रॉब्लम आता है इंजन में, चलाते समय नहीं आएगा, जब भी आप नॉर्मल ट्यूनिंग में छोड़ेंगे ना तभी वो ढकढक करके आवाज़ आता है, वो आवाज़ आए तो आपको क्लच हाउसिंग खोल करके ज़रूर उसको रिपेयर करवा लेना है। रिपेयरिंग करवाना ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगता है, 200-400 रुपये ऐसा कुछ लगता है, सिर्फ वो लेथ में जो काम होगा उसका, जो मिस्त्री खोलेगा फिटिंग करेगा वो अपना चार्जेस जो है वो अपना ये करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहें।